संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर कांग्रेस का विरोध। दिल्ली लोकसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में आकर बवाल करने लगे। इस मामले पर कांग्रेस ने दिल्ली में सड़कों पर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी के सांसद की इस्तीफा की मांग करते हुए नजर आए। इस संबंध में दिल्ली संवाददाता शुभ शेठ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरह से कल पार्लियामेंट में सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेके भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा बात करने के लिए रणवीर लोंचा जी मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कल सुरक्षा में काफी चूक हुई है बड़ी? सुरक्षा में काफी नहीं, मैं कहता हूँ देश का लोकतंत्र का मंदिर है। जो उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर दो अज्ञात लोग घुस जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवालियां उठाता है उसकी सुरक्षा को लेकर। और मैं पूछना चाहूंगा भाजपा का वो सांसद जिसने उनको पास प्रोवाइड किया अब तक वो खामोश है। एक टीएमसी सांसद देश के उद्योगपति अदानी पे सवाल उठाती है तो उनको सस्पेंड किया जाता है और एक भाजपा सांसद दो अज्ञान लोगों को पास देके लोकतंत्र के मंदिर के अंदर घुसा देता है और उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है उन लोगों को अंदर घुसा के जो देश के मुद्दे हैं जो संसद में चर्चा होनी थी उनसे भटकाने के लिए ये काम किया गया। आप लोगों की अभी मुख्य मांगे क्या है जिसको लेकर प्रदर्शन करते हैं? हमारा तो मुख्य मांग है प्रताप सिम्हा जी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए लोकसभा से। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रणवीर जी लोलचा। एमके न्यूज के लिए दिल्ली से।